Hello everyone, welcome back to my channel Ayurveda First. I hope you all are doing well. आज हम लोग चरक संहिता कल्पस्थान सीरीज में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिमूतक कल्पम के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. इसके कौन कौन से पर्याय हैं? तो वो है गरागरी, वेणी और देवताड़क. इसका कौन सा पार्ट यूज होता है? तो वो है फल और फूल. कितनी मात्रा में इसका यूज बताया गया है? तो वो है 1 शुक्ति, 2 तोला या आधा पल. आप किसी भी फॉर्म में इसको याद रख सकते हो, बट आई जस्ट प्रेफर इज कि आप 1 शुक्ति याद रखो. हम इसके कितने योग हैं वो हमने देखे थे अपनी फर्स्ट वीडियो में भी, वो है 39 योग. इफ पॉसिबल आप इसके अलग अलग योग याद कर सकते हो, तो वो है दूध के साथ 6 योग, सुरामांड के साथ 1 योग, आरगवद आदि कषाय के साथ 7 योग, गुरुचि क्वाथ 12 योग, जीवक आदि योग 4 और घृत के साथ 1 योग. कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग बताया गया है? तो वो है श्वास, कास, हिक्का और ज्वर, और साथ ही साथ ये त्रिदोष अग्नि है, यानी ये तीनों दोषों पर काम करता है. इसका लैटिन नेम है ल्यूफा एकिनाटा और इट बिलोंग्स टू कर्क्यूबिटेसी फैमिली. तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इतना ही आपको इस चैप्टर में याद रखना है. हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में. तो दिस इज हाउ वी हैव एंडेड आवर सेकंड चैप्टर टुडे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द अपकमिंग अपडेट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.